सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर बिजनेस वीडियोस इन हिंदी। अगर एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर से पूछा जाए कि बिजनेस करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, तो 99% ई कॉमर्स स्टोर ओनर बोलेंगे सीओडी। यस, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी ही ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अलग अलग टाइप के स्टोर्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अल्टीमेटली सबकी सेम प्रॉब्लम आके जो अटकती है वो होती है सीओडी। सीओडी में इतनी पावर होती है इंडियन मार्केट में, वो आपके बिजनेस को बढ़ा भी सकती है और एकदम ब्रेक भी कर सकती है, मतलब खत्म भी कर सकती है। अगर आपका मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ और कैंसिल हो गया किसी भी रीजन से, तो आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। आपने जो एड्स पे स्पेंड करा होगा वो सारा अमाउंट आप लॉस करेंगे। आपने जो डिलीवरी पहुंचाने के लिए कोरियर सर्विस यूज करी होगी वो पैसा आपका लॉस हुआ। जब आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया या आरटीओ हो गया, तो जब वो ऑर्डर रिटर्न आएगा तो उसका भी कोरियर कंपनी चार्ज करेगी, वो भी एक आपका लॉस हुआ। जब कोरियर अलग अलग रीजन से रिटर्न आता है तो मल्टीपल रिटर्न कॉस्ट कोरियर पे अप्लाई हो जाती है, और उसके अगेंस्ट आपने सेल के थ्रू कुछ उसमें कमाया ही नहीं है और अपनी जेब से उससे ज्यादा दे देते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पे? तो आंसर है दोस्तों, आप अपने प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाइए। लेकिन हर कोई जानता है प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाना इतना आसान नहीं है। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में सीओडी बिजनेस का पिलर होता है, मींस 90% जो ऑर्डर्स होते हैं वो सीओडी ही आते हैं। तो हमें उसका अल्टरनेटिव आंसर ढूंढना पड़ेगा अगर हम अपने बिजनेस को लॉस नहीं कराना चाहते हैं, बंद नहीं कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप उसे अपने स्टोर पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ना, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कितने इंक्रीज होंगे, ये अप टू इंक्रीज हो सकते हैं 30-40% प्रीपेड ऑर्डर्स ऑन योर ई कॉमर्स ओन स्टोर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हमारे अदर्स यूट्यूब चैनल्स हैं, जिन सभी के लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी जाके चेकआउट करिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड ऑर्डर्स लाने के लिए जो सबसे पहली प्रैक्टिस होती है, जो मेथड होता है, उसे बोलते हैं क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल स्टोर। अब प्रोफेशनल वेबसाइट का क्या मतलब होता है या प्रोफेशनल स्टोर का क्या मतलब होता है? आपका जो स्टोर होगा उसमें आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको अपनी वेबसाइट को बहुत सिंपल फॉर्म में बनाना है, ताकि कस्टमर जब भी आपकी वेबसाइट पे आए उसे जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसे इजिली वे में मिल जाए, ना कि इतना मैशी बना देना है कि वो कंफ्यूज हो जाए। जनरली होता क्या है, कस्टमर एक नई वेबसाइट पे या अननोन ब्रांड पे प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करना पसंद नहीं करता है। ये कुछ ऐसा हो गया कि एक उसने अननोन पर्सन को या अनट्रस्टवर्थी पर्सन को अपना पैसा दे दिया, इसलिए आपको कस्टमर का पहले ट्रस्ट गेन करना है। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल स्टोर बनाना पड़ेगा और उसके बिलीफ को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, इंगेजमेंट एड्स। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप जब कन्वर्जन एड्स चलाते हैं तो आपकी वेबसाइट पे सेल आ जाती है, तो आप सोचते होंगे कि इंगेजमेंट एड चला के मैं पैसा वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि इंगेजमेंट एड्स से सेल तो आनी नहीं है, जस्ट ब्रांड अवेयरनेस होनी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पहले कस्टमर का जब हमें अटेंशन या इंगेजमेंट गेन करना होता है तो कन्वर्जन एड वहां पे काम नहीं आते हैं। कन्वर्जन एड्स जस्ट कन्वर्जन के लिए होते हैं, सेल जनरेट करने के लिए होते हैं, और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट नई है या फिर हमारी वेबसाइट कोई फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसी नहीं है, एक सिंगल वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हमें सबसे पहले उसका ट्रस्ट गेन करना है। ट्रस्ट गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंगेजमेंट एड्स चलाने होंगे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न, ये लोग बहुत सारे इंगेजमेंट एड्स चलाते हैं, ना कि जस्ट कन्वर्जन एड्स चलाते हैं। भले ही उन्हें
सेल लेनी हो या नहीं लेनी हो, वो हर समय अपनी वेबसाइट की या अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते रहते हैं। तो जो एंगेजमेंट एड्स होते हैं वो जस्ट रीच और ब्रांडिंग के लिए होते हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे ब्रांडिंग रीच के एड्स रन करते रहने चाहिए कन्वर्जन एड्स के साथ साथ। उससे होता क्या है, नए नए कस्टमर्स पे जब रेगुलर बेसिस पे उन्हें एड्स दिखता है तो उनकी एक साइकोलॉजिकल या मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं वो लोग, या अवेयर हो जाते हैं कि ये कोई एक ब्रांड है या नोन वेबसाइट है। उससे होता क्या है, वो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और जब भी वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे फिर तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे कि वो आपको प्रीपेड ऑर्डर प्लेस कर दें। तीसरा पॉइंट है, गिव ऑफर्स और फ्री गिफ्ट ऑन योर प्रीपेड ऑर्डर्स। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, वो ऑर्डर या प्रोडक्ट चेकआउट कर रहा होता है, उस टाइम पे आप फ्री गिफ्ट या ऑफर्स वहां पे फ्लैश कर सकते हैं। और वो जैसे ही चेकआउट पेज पे मूव ऑन होगा और वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएगा, उस समय भी आप ऑफर्स या गिफ्ट्स को वहां पे अप्लाई कर दीजिए, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सीओडी के अगेंस्ट आपको प्रीपेड ऑर्डर प्लेस कर दे, क्योंकि वहां पे उसे डिस्काउंट मिल रहा होता है या फिर गिफ्ट मिल रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइटों पर होता क्या है, जब कस्टमर चेकआउट फॉर्म पे जाता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए तो वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, सीओडी और प्रीपेड। तो जैसे ही वो प्रीपेड पे क्लिक करता है तो वहां पे कुछ डिस्काउंट टाइप का अप्लाई हो जाता है कि 5% ऑफ ऑन योर प्रीपेड ऑर्डर और 10% ऑफ योर ऑन योर प्रीपेड ऑर्डर्स, या फिर उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी ऊपर के टॉप बार में मेंशन होता है कि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप परसेंटेज के हिसाब से चेकआउट पे ऑफ दे सकते हैं, या फिर आप 200, 300, 500 रुपए तक का कोई गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट उसके अलोंग प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ डिस्पैच करा सकते हैं। उससे भी क्या होता है, कस्टमर का अट्रैक्शन क्रिएट होता है और वो प्रीपेड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और प्रीपेड ऑर्डर आपको प्लेस जल्दी करता है। अगला पॉइंट होता है प्रीपेड ऑर्डर्स लेने का, मेक अ डील अबाउट फ्री शिपिंग। इसमें आपको करना क्या होगा, प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ फ्री शिपिंग अप्लाई करिए और जो भी लोग सीओडी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं या ऑप्शन होगा जो सीओडी ऑर्डर्स का, उसके साथ कुछ शिपिंग चार्ज अप्लाई कर दीजिए। उससे होगा क्या, जब भी कस्टमर सीओडी प्लेस करने जा रहा होगा तो उसके एक माइंड में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर मैं सीओडी प्लेस करता हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो बेटर होगा कि मैं प्रीपेड ऑर्डर प्लेस कर देता हूं तो मुझे शिपिंग चार्ज बच जाएगा। अगर आप लोग को फिकर है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, ना ही वो कैश ऑन डिलीवरी के साथ एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज देने में इंटरेस्टेड है, ना ही वो आपको प्रीपेड ऑर्डर देना चाहता है, तो इस केस में क्या होगा, डोंट वरी दोस्तों, इसका भी एक अल्टरनेटिव होता है जिसे हम बोलते हैं अबंडेंट कार्ट। आप अपनी एक एक्स्ट्रा टेलीकॉलर टीम बिठा सकते हैं। वो क्या करती है, अबंडेंट कार्ट एक फीचर होता है जिसके थ्रू चेकआउट फॉर्म पे जब भी कस्टमर लीव करता है या छोड़ के जाता है तो उसकी सारी डिटेल वहां पे फेच हो जाती है, सेव हो जाती है इनकम्प्लीट ऑर्डर्स के फॉर्म में। तो आपकी जो टेलीकॉलर टीम होगी वो एक एक करके उन सारे कस्टमर से बात कर सकती है और उन्हें ऑफर कर सकती है फ्री सीओडी, एक एक करके उन सारे कस्टमर से बात कर सकती है और उन्हें फ्री सीओडी शिपिंग ऑफर कर सकती है। उससे होगा क्या, जिन कस्टमरों ने भी आपकी वेबसाइट छोड़ी थी एक्स्ट्रा सीओडी शिपिंग चार्ज के चक्कर में, वो सारे आपके लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपसे ऑर्डर ले लेंगे। अगला मेथड होता है प्रीपेड ऑर्डर्स को इजीली लेने का, वो होता है पेमेंट गेटवे। वेबसाइट पे अलग अलग टाइप के पेमेंट गेटवे होने चाहिए अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि अलग अलग टाइप के कस्टमर से क्या मतलब हो जाता है। इसका मतलब होता है कि हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं होता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए वेबसाइट के थ्रू। पहले के टाइम में जरूर ऐसा होता था कि वेबसाइट पे जस्ट दो ही ऑप्शन होते थे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जमाना बदल चुका है। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ अदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप आज भी पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपको अपना मेथड चेंज करना होगा, क्योंकि दोस्तों जमाना बदल गया है और आपको कस्टमर को नए एक्सपोजर देने पड़ेंगे। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई नहीं चाहता है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाके अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल पुट अप करे प्रीपेड ऑर्डर्स लेने के लिए। उसके इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऑफर करते हैं अलोंग विद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, पेटीएम या यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो इस टाइप के आप पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कराइए, जिससे होगा क्या, कस्टमर अपने वॉलेट के थ्रू या यूपीआई के थ्रू भी आपको पे कर सकता है। उससे भी बहुत सारे प्रीपेड ऑर्डर्स आपके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट आता है प्रीपेड ऑर्डर्स लेने का, यूनिक प्रोडक्ट
विद बेस्ट प्राइसिंग। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि मेन कारण क्या होता है आरटीओ रिटर्न्स आने का? रीजन होता है सेम प्रोडक्ट सेलिंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। मतलब आज के टाइम में जो मैक्सिमम आरटीओ आता है बहुत सारी वेबसाइटों पे, होता क्या है कि आप अगर देखेंगे तो एक जैसा प्रोडक्ट बहुत सारी वेबसाइटों पे सेल हो रहा है सेम टाइम पे विद डिफरेंट प्राइसिंग। अब होता क्या है, कस्टमर ने एक वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करा, फिर उसे दूसरी वेबसाइट का वो सेम प्रोडक्ट दिखा, उसने वहां पे भी ऑर्डर प्लेस करा, और वो करेगा क्या, जिस वेबसाइट से सबसे सस्ते में उसे ऑर्डर दिख रहा है वो उस वेबसाइट का ऑर्डर रिसीव करेगा और बाकी सारी वेबसाइटों के ऑर्डर कैंसिल कर देगा। अब होगा क्या, और वेबसाइट सारी वेबसाइटें या सारी कंपनीज उसे ऑर्डर शिप कर रही हैं, तो उसके पास जो सबसे पहले और जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट पहुंच जाएगा वो उसे रिसीव कर लेगा और बाकी सारों को कैंसिल कर देगा। उससे होगा क्या, आप लोगों का आरटीओ आ जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वो प्रोडक्ट बेचना है जो यूनिक है विद बेस्ट प्राइसिंग और कस्टमर को डिससेटिस्फाइड नहीं करना है। यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करना इतना भी टफ नहीं होता है। जरूर आपका टाइम लगेगा लेकिन ये वर्थ इट होगा आपके लिए, प्रीपेड ऑर्डर्स लेने के लिए और मैक्सिमम ऑर्डर्स लेने के लिए और एक जेन्युइन कस्टमर को लाइफ लॉन्ग अपनी वेबसाइट पे बरकरार रखने के लिए। अगला पॉइंट होता है प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ाने का, जेन्युइन कस्टमर फीडबैक्स। फीडबैक के बारे में तो हर किसी को पता ही होगा, लेकिन आप माने ना माने लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फीडबैक की वैल्यू कभी भी इन फ्यूचर भी खत्म नहीं होने वाली है। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और वो उसे यूज करके सेटिस्फाइड होता है तो वो खुद से ही आपकी वेबसाइट पे फीडबैक छोड़ के जाएगा, आपको उसके लिए उसे कहना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये नेसेसरी क्यों होता है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर का फीडबैक आपकी वेबसाइट पे अदर कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है और एक सेल और जनरेट करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट होता है या इतना प्रॉफिटेबल होता है कि आपको नए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने में बहुत इजी हो जाता है। आपको उसे मार्केटिंग एड्स के थ्रू ट्रस्ट गेन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी वेबसाइट पे जेन्युइन कस्टमर के फीडबैक्स हैं तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और प्रीपेड ऑर्डर्स भी बढ़ने इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के जेन्युइन फीडबैक पे ज्यादा ट्रस्ट करता है इंस्टेड किसी एड्स के थ्रू। आप भी अपनी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स को गिफ्ट कूपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्काउंटेड कूपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज के लिए, अगर वो आपकी वेबसाइट पे आके किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और जेन्युइन फीडबैक अपना प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स या मेथड्स या प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे प्रीपेड ऑर्डर्स इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग ये काम लास्ट 8 ईयर से कर रहे हैं। हम लोग खुद एक मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी हैं। हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए, ऑनलाइन सेल जनरेशन के लिए या लीड जनरेशन प्रोसेस के लिए। हम लोग की क्लाइंटों के पास भी मैक्सिमम ऑर्डर सीओडी आते हैं, लेकिन तब भी काफी अच्छी क्वांटिटी में परसेंटेज में प्रीपेड ऑर्डर्स भी आते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं और हम लोग बहुत टाइम से इसे ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से सारी प्रैक्टिसेस अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने ई कॉमर्स स्टोर पे अप्लाई करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपके भी प्रीपेड ऑर्डर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, इसी टाइप की वीडियो आप रेगुलर बेसिस पे देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।